किस्मत फूटी थी जो मैं तेरे जन्मदिन वाले दिन पैदा हो गई। मम्मा। अरे मम्मा बात सुनिए ना। हाँ सुन रही हूँ बेटा, क्या कह रही हो? काम कर रही हूँ जरा। अरे मम्मा पहले मेरी सही तरह से बात सुने आप। बताओ अब। मम्मा आपको याद है कि कल क्या है? अरे बेटा मुझे कैसे याद हो सकता है कल क्या है, तुम्हें तो पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ ऑफिस के कामों में। अभी भी ऑफिस का ही काम कर रही हूँ मैं। अरे मम्मा ठीक से सोचिए कल क्या है। अरे नहीं पता कल क्या है। अरे मम्मा कल मेरा बर्थडे है, आपको याद भी नहीं रहा? ओ अच्छा कल बर्थडे है तुम्हारा, मैं तो भूल ही गई थी। चलो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मम्मा मैं सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी। और हाँ मम्मा कल 9 ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइम देना। अच्छा जी मेरी रानी बिल्कुल। मम्मा मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बर्थडे के लिए। और मम्मा आप मुझे गिफ्ट में क्या दे रही हैं? अरे बेटा हर दफा तो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गिफ्ट देती हूँ मैं आपको, और इस दफा भी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगी सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। माय स्वीट मॉम, अब वेट करते हैं नेक्स्ट डे का। चलो चलो अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, कल मेरा बर्थडे है, इनविटेशन दे दो बेटा, जाओ जल्दी जाओ। मुन्नी मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ, झूले को साफ कर रही हूँ, यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, तू अंदर चली जा, वहाँ पर सोफों पर कपड़ा मार दियो, बहुत मट्टी हो रही है उधर, तू वहाँ की सफाई कर ले, मैं यहाँ की कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिर बर्तन धो लूंगी, सही है तू जा। मेरी बात गौर से सुन, जब भी तेरा अच्छा खाने को दिल चाहता है तो हमारे घर दौड़ी चढ़ी आती है अपनी माँ के साथ। आखिर ये मामला क्या है बहन, बता तो दे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आज अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो मुझे लेकर आ गई ताकि मैं उसका हाथ बटा सकूं। बेवकूफ बेवकूफ किसी और को मनाना, मैं तुम जैसे लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। और मेरी बात गौर से सुनो, कल मेरा जन्मदिन है और खबरदार जो तू आई, कल मेरे सारे अमीर कबीर फ्रेंड्स आएंगे। जन्मदिन? ये कैसा इत्तेफाक है, कल आपका भी जन्मदिन है और मेरा भी। ओहो कल तेरा भी जन्मदिन है, मेरी क्या किस्मत फूटी थी जो मैं तेरे जन्मदिन वाले दिन पैदा हो गई। बनती अपने आप में। अरे मेरी बच्ची इतनी उदास क्यों बैठी है तू? मुझे पता है आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन यकीन कर मेरी बच्ची मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं तेरे लिए केक ला सकूं, लेकिन मेरे पास तेरे लिए ढेर दुआएं हैं। खुदा करे तुझे खूब सारी जिंदगी में खुशियां मिले, जीती रहे मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे तुझे। अच्छा मैं चलती हूँ बेगम साहिबा के घर, मुझे आज काफी काम है क्योंकि पिंकी का जन्मदिन है ना आज। चल मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखियो। पानी पानी
पानी। अच्छा अच्छा मैं लेकर आती हूँ पानी। मुन्नी मेरे से तो चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। आज ना पिंकी का जन्मदिन है, उनके घर में ना बहुत काम है। ऐसा कर तू उनके घर चली जा। लेकिन अम्मा मुझे पिंकी ने मना किया था। कुछ नहीं होता बेटा, उसके जन्मदिन वाले कमरे में मत जाइयो तू। चलो ठीक है मैं चली जा। और मेरा बता दियो कि मेरी मम्मी बीमार थी। चलो ठीक है पानी पी लो आप। वाह बहुत अच्छा बहाना है। चल अच्छा जब आ गई है ना तो जल्दी से सफाई कर और मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बस मम्मी डैडी आने वाले होंगे फिर हम केक कट करेंगे। तुझे लिपस्टिक बहुत ज्यादा पसंद है ना, चल इधर आ मैं तेरे लगाती हूँ। नहीं 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 हेलो। अरे मम्मा इतनी देर हो गई है आप अभी तक नहीं आए हो। अरे माय स्वीट डॉटर मैं आना चाहती हूँ लेकिन थोड़ी काम में फंस गई हूँ, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। अब मैं नहीं चाहती आप जल्द से जल्द आए प्लीज। हाँ अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तुम यहाँ से बैठ जाओ। मुन्नी बात सुनो, इतने मम्मा आती है तुम हादी के लिए जो है कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। हाय हाय सारा गिरा दिया। सच्ची में मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। ओहो सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। पिंकी ये तुमने कैसे नौकरानी रखी हुई है, इसको तो मैं बताती हूँ। मैं तो इस जाहिर नौकरानी को कभी ना रखूं, पता नहीं तुमने कैसे रखा हुआ है। बस मम्मा की वजह से मैं इसको झेल रही हूँ। तुम्हारी मम्मी डैडी तो अभी तक से नहीं आए, मैं तो जा रहा हूँ बस। अरे अरे थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। मम्मा पापा को कॉल कर देखती हूँ, मेरे सारे
हेलो मम्मा, आ जाए ना जल्दी, अब तो मेरे फ्रेंड्स भी वेट कर 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 चले गए हैं। हमें कोई अर्जेंट काम आ गया है जिसके सिलसिले में हम लोग दुबई जा रहे हैं। What? बेटी बात को समझो मेरी। मम्मा पापा, तुम दोनों के पास मिलने कोई टाइम नहीं है, साल में एक ही दफा आता है जन्मदिन, और वो भी मैं सही से स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। और हाँ, तुम्हारा जो मैंने गिफ्ट है ना, वो अलमीरा में रख दिया है, वहाँ से उठा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय करना, पार्टी करना। अच्छा ठीक है। फोन काट दिया। चलो कोई नहीं, मैं ना लूँगी उसको गिफ्ट दे के। चलो जल्दी जाती हूँ। मम्मा पापा के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मम्मा पापा को मेरे से प्यार होता ना, तो आज वो मेरे बर्थडे पे मेरे साथ होते। उनको मुझसे कोई प्यार नहीं है। अब मैं क्या करूं? उड़ा गुलाब माई तेरी चुनरिया। माँ, अरे तू अभी तक फारिग नहीं हुई, मैं तुझे लेने आई हूँ, चला घर चलते हैं। अरे अम्मा, अभी तक तो मैं फारिग ही नहीं हुई हूँ, वो ना पिंकी के ना मम्मी डैडी ना दुबई चले गए हैं, इसलिए वो अंदर कमरे में रो रही है बैठी हुई। क्या रो रही है? चल मुझे लेके चल उसके पास। दिखाते हैं। अम्मा वो देखें, छोटी बीबी रो रही है। अरे पिंकी बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरे बर्थडे पर मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसलिए मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, जन्मदिन तो जन्मदिन होता है, और तुम्हारे मम्मी डैडी तो बहुत मसरूफ होते हैं, उनको बहुत काम होता हो। वो लोग तो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्या पैसा रुपया से खुशियाँ मिल जाती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, असल खुशियाँ तो रिश्ते को पाकर होती हैं। मुन्नी मुन्नी, तू कितनी खुशकिस्मत है, तेरे जन्मदिन पर तेरे पेरेंट्स साथ हैं और एक मैं। पिंकी चुप हो जाओ, हम तुम्हारा जन्मदिन बनाएंगे। क्या सच्ची में? हाँ सच्ची से। लेकिन ना मैं कितनी बुरी हूँ, हर वक्त मैंने तुमको हकारत से देखा, और तुम कितने अच्छे हो। बेटा हम दिल में कोई बात नहीं रखते, हम गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। आओ हम सब मिलकर तुम्हारा केक काटने हैं जन्मदिन का। मुन्नी आज तुम्हारा भी बर्थडे है ना, चलो दोनों साथ में केक काटते चलो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो बेमिसाल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे पिंकी, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और मुन्नी तुम्हें भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मुन्नी तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। पिंकी तुम्हें भी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मोरल स्टोरी से क्या सीखा? जन्मदिन तो जन्मदिन होता है, या तो अमीर का या फिर गरीब का। रुपया पैसा तो आने जाने वाली चीज है, हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।